नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से शहर में साफ सफाई की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और बारिश की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। साथ ही वे सरकार से मांग कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाए, उनके वेतनों में वृद्धि की जाए, साथ ही सफाई कार्य में ठेका प्रथा समाप्त करने समेत नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत प्राइवेट संविदा कर्मियों जैसे सफाई मित्र वाहन चालकों को नियमित किए जाने की मांग की। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि प्रदेश संगठन द्वारा मई एवं जून माह में किए गए पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं होने से खंडवा निवासी वाल्मीकि समाज की बहन रंजीता चौहान वाल्मीकि बीते 10 जुलाई से आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं, मगर प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस कारण प्रदेश संगठन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों के कारण मोरवा बैढ़न शहर में जगह जगह कचरे का ढेर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही घरों से कचरा संग्रहण का कार्य ठप हो गया है। ये हड़ताल कितने दिन चलेगी, इस पर संशय बना हुआ है। मांगे हैं कि 2007 से लेकर 2016 तक के जो समर्थ दैनिक वेतन भोगी जो स्थायीकरण से वंचित थे उनका स्थान करके विनिवीकरण किया जाए। दूसरी हमारी सबसे प्रमुख मांग की सफाई कार्य में टेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए, जिसमें अभी हमारी मंत्री जी से भी इससे पहले हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने पूरे सभा में सबके सामने अनाउंस किया था कि सफाई में टेका प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा, पर आज तक उन्होंने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जो कि वादा के खिलाफ है। तीसरी हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि जो हमारी बहन है रंजीता वाल्मीकि जो कि खंडवा की सफाई कर्मचारी है और वो दिनांक 10 तारीख से निरंतर आमरण अनशन पर बैठी, अन्य जगह का त्याग करते हुए आमरण अनशन पर बैठी हुई है, उसकी और सरकार का ध्यान रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान भी उस ओर जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।